गाइज वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? गाइज कुछ दिन पहले मैं एक ब्लॉग अपलोड किया था, वो था अपना राउरकेला का पानपोस ब्रिज। मैं फिर से वहीं आया हूँ, आप लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे, पहले भी दो बार आप लोगों को दिखा दिया। देखिए थोड़ा सा पीछे दिखाता हूँ, ये है अपना पानपोस का ब्रिज। आप लोग को बिलीव होगा, बिलीव नहीं होगा आप लोग को। कुछ दिन पहले मैं जब अपलोड किया था तो वो जस्ट बनने के कगार पर था और रास्ता वास्ता सब बंद हो चुका था। फ्रेंड्स रास्ता जो है वो अभी भी बंद है और करीब 2 से 2.5 महीना और लग जाएगा ऐसा देखने से लग रहा है। तो गाइज़ आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ यहाँ कि करीब 1.5 महीना हो गया मैं ब्लॉग अपलोड किया हूँ, उसके बाद यहाँ क्या चेंजेस हुआ है। जैसे कि रोड जो बन रहा था उस टाइम उसमें क्या चेंजेस है, यहाँ इस रोड में जो है मतलब इस ब्रिज में लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था तो किस टाइप का लाइट लगा हुआ है, कितना दिन चलेगा या सिर्फ वर्ल्ड कप तक रहेगा। तो फाइनली पानपोस का जो ब्रिज है इसका काम ऑलमोस्ट आधा हो चुका है क्योंकि लाइट वगैरह लग चुका है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसी चीज़ को आप लोग के साथ अपडेट करने के लिए मैं फिर से ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइज़ ब्लॉग को पूरा देखिए ताकि आप लोग को जहाँ रहते हैं उस बारे में आप लोग को पूरा डिटेल में पता चले। ऐसा शायद कोई हो ही नहीं सकता जो कभी पानपोस का ब्रिज का भीड़ का सामना ना किया हो। तो गाइज़ वेट एंड वॉच। फ्रेंड्स ये देखिए, ये स्टार्टिंग है, यानी कि पानपोस से आप लोग इधर से एंटर होते हैं। सोलह या 17 लाइट एक रो में लगा हुआ है, यानी कि रोड के एक साइड में जो है 16 या 17 लाइट है। फ्रेंड्स अब मैं आ चुका हूँ रोड के इस साइड में, यानी कि फुटपाथ के इस साइड में आ चुका हूँ मैं। अब इधर से भी देखिए, आप लोग को बिलीव नहीं होगा देखने से कि ये जो है पानपोस ब्रिज का नज़ारा है। देखने से ऐसे लग रहा है कि कहीं दूर कहीं एक बहुत बड़ा सिटी का दिख रहा होगा आप लोग को। ये देखिए, चलिए अब मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ कि ये जो ब्रिज है इसमें कैसा कैसा क्या काम चल रहा है। कुछ दिन पहले भी मैं दिखाया था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया था वो वीडियो में, बहुत आप लोग प्यार दिए थे। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को भी आप लोग उसी टाइप का लाइक कमेंट और प्यार दीजिए। दूर से देखने से तो फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ब्रिज, लेकिन यहाँ काम किस टाइप का चल रहा है वो देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये नया नया खंभा लगा हुआ है, मोटा मोटा पाइप से साइड साइड से इसका कनेक्शन किया गया है। देखने से तो लग रहा है कि काफ़ी दिन टिकेगा। थोड़ा थोड़ा गैप में इसी टाइप का बना बना करके देखिए लाइट लगाया गया है। देखिए गाइस ये क्या है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए लोहा है, इसको एक्चुअल में बोलते क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन ये पूरा लोहा है। ये पहले भी था, देखिए इस जगह ये पहले भी था, एक बम्पर का टाइप के काम करता था, लेकिन वो जो था इसका इतना मतलब बहुत ही पतला था। ये देखिए इसको कितना मोटा बनाया गया है ताकि ये जो पुल है ये ब्रिज है और मजबूत हो सके। देखिए अभी इसको बोरा में सीमेंट का बोरा में पानी डाल डाल के इसको सुखाया जा रहा है, यानी कि इसमें और पानी दिया जा रहा है। हर साइड में ऐसा ही कुछ है। चलिए मैं आगे का आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए गाइस इधर ये पहले जिस टाइप का था अभी भी उसी टाइप का है, थोड़ा जो है यहाँ काम हुआ है। देखिए ये वैसा ही है, देखिए यहाँ भी बोरा लगा हुआ है और उस साइड में भी बोरा था। देखिए आइए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इसको और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। ये देखिए यहाँ सब कोड़ काट के रखा है। ये देखने से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें अभी टाइम लगने वाला है, 2 महीना तो और जैसे भी लग जाएगा। यहाँ देखिए इसका कुछ जो है ख़ास काम नहीं हुआ है और ये जो साइड साइड में है इसमें भी शायद कलरिंग होगा। ऐसे एक भाई यहाँ था वो बता रहा था, इस मतलब ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कलर किया जाएगा। ये देखिए रास्ता का ये हाल है, मतलब अभी जो है ब्रिज में कोई काम नहीं हुआ है, काम हुआ है बस ये लाइट पर। देखिए
ये देखने से दूर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये जो आप लोग को तार दिख रहा है, मोटा पाइप, ये इसका अंदर से जाके ये आप लोग को दिख रहा है इधर, ये पीछे से गया हुआ है। देखिए, ये यहाँ से तार ऐसे जाके वो वाला खंभा में ऐसे टच है, यानी कि आप लोग को पाइप जो है बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देगा, बाकी ये सब फुटपाथ के एकदम साइड से गया हुआ है। ये देखिए नदी, रात का समय का नदी का नज़ारा। अभी ये ब्रिज जो है बंद है टोटली, और वो देखिए उस साइड से देखिए लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, यानी कि न्यू ब्रिज। बहुत धुंधला आता होगा गाइस। ये देखिए, ये पूरा स्टार्टिंग है पुल का, ये ब्रिज का पूरा स्टार्टिंग है। डेढ़ महीना करीब से यहाँ से लोग आराम से आ जा रहे थे, लेकिन अभी जो है इसको बंद कर दिया गया और बाइक वाला सब रिटर्न जा रहे हैं यहाँ से। देखिए, सिर्फ साइकिल ही यहाँ से आना जाना हो पा रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से। अभी भी बहुत लोग को नहीं मालूम है कि ये जो ब्रिज है ये बंद हो चुका है, और बहुत लोग यहाँ ज़बरदस्ती आ रहे हैं। देखिए, टोटली बंद हो चुका है, अभी बहुत बाइक्स आ रहे हैं और बहुत बाइक्स वाले रिटर्न चले जा रहे हैं आधा से ही। इधर का पूरा रिनोवेशन का काम ख़त्म हो जाएगा पूरा, जब ये ब्रिज आने जाने के लायक बन जाएगा तो फिर से मैं एक अपडेट आप लोग को शेयर करूंगा। गाइस, उम्मीद करता हूं आज का अपडेट वाला ब्लॉग आप लोग को श्योर पसंद आएगा, क्योंकि राउरकेला से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कुछ दिन बाद एक और नए अपडेट, एक और नए ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय।